हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ पढ़ते हैं एक्सेल टैली एंड एसएपी। तो आज की क्लास में हम एसएपी पढ़ने वाले हैं। एसएपी में हम पढ़ेंगे सिस्टम लैंडस्केप, रियल टाइम सिस्टम लैंडस्केप। तो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का क्या मकसद है, तो एक्चुअली हमारी टीम को एक स्टूडेंट कॉल करता है। तो एक्चुअली क्या है, उसने क्या किया था कि कहीं से बेसिकली किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो वहां से उनने कोर्स किया। उन्होंने उससे कहा कि हम आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस बना के देंगे। ओके, तो उन्होंने उसको रियल टाइम एक्सपीरियंस बना के दे दिया। उसने जो भी कॉन्फ़िगरेशन थी वो सब सीख ली, जो भी उनका डमी सिस्टम होता है उस पर सारी सीख के, और वो इंटरव्यू देने चले। ओके, तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर उसको पता नहीं था इसके सिस्टम लैंडस्केप के बारे में कि किस तरह से सिस्टम लैंडस्केप काम करता है। तो उससे पूछा गया, तो उसने अपने तरीके से कि हम डायरेक्ट कस्टमाइजेशन, जो भी उनने अपने जो नॉर्मल सिस्टम होते हैं, हम सैंडबॉक्स को यूज़ करते हैं, डमी सिस्टम जिस पर हम सारी कॉन्फ़िगरेशंस भी करते हैं, साथ साथ हम उसे टेस्टिंग करते रहते हैं, तो उसने उसको बता दिया। और वो एक्सपीरियंस दिखा रहा था 2 to 3 years का। ओके, तो उसे क्या हुआ, वो वहां पर पकड़ा गया और उसको कंपनी में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप रियल टाइम फेक एक्सपीरियंस बना रहे हो, तो फर्स्ट आपको पहले नॉलेज गेन करो, और मैं तो यही कहूंगा आप फेक एक्सपीरियंस ना ही शो करें तो ही बेस्ट है। आपको जो जेन्युइन आता है वो आप शो करिए, और उसके अकॉर्डिंग आपकी अपनी जॉब लीजिए। ओके, तो ये हमने बता दिया है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो सबसे पहले रियल टाइम सिस्टम लैंडस्केप क्या होता है पहले? ओके, सिस्टम लैंडस्केप क्या होता है? ओके, सैप सिस्टम लैंडस्केप इज डिफाइंड एज ए अरेंजमेंट ऑफ एसएपी सर्वर्स आइडली इन सैप एनवायरनमेंट। ए थ्री सिस्टम लैंडस्केप एग्जिस्ट। ए सिस्टम लैंडस्केप कंसिस्ट ऑफ डेवलपमेंट सर्वर, प्रोडक्शन सर्वर एंड क्वालिटी सर्वर। मतलब क्या हुआ कि सिस्टम लैंडस्केप में बेसिकली आइडली हमारे पास होते हैं तीन सिस्टम। ओके, एक होता है डेवलपमेंट सर्वर, एक होता है क्वालिटी सर्वर, एक होता है प्रोडक्शन सर्वर। ओके, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, डेवलपमेंट, क्वालिटी एंड प्रोडक्शन। तो अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि सिस्टम लैंडस्केप क्या है, तो आप उसे बता सकते हो आइडली सैप एनवायरमेंट में हम थ्री सिस्टम्स रखते हैं सिस्टम लैंडस्केप में। एक होता है हमारा डेवलपमेंट, एक होता है क्वालिटी और एक होता है प्रोडक्शन। अब सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि डेवलपमेंट सिस्टम कौन से है। डेवलपमेंट इज वेयर द कंसल्टेंट डू द कस्टमाइजेशन एज पर द कंपनी रिक्वायरमेंट। मतलब क्या हुआ, जो भी अगर कोई कंपनी एसएपी लगवा रही है, तो कंसल्टेंट उसको डिजाइन करते हैं एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट। पहले ब्लूप्रिंट बनता है, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग साइन होके जो कंसल्टेंट्स होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। ओके, तो वो किसमें होता है, हमारा डेवलपमेंट सर्वर। डेवलपमेंट सर्वर में हो मल्टीपल क्लाइंट्स, में मल्टीपल क्लाइंट हो सकता है, जैसे सैंडबॉक्स हो सकता है या गोल्डन क्लाइंट। गोल्डन क्लाइंट हमारा मेन क्लाइंट होता है जिस पर हमारी रियल टाइम कॉन्फ़िगरेशंस होती है, एंड 200 फॉर यूनिट टेस्टिंग। ओके, नॉर्मली जो मेन क्लाइंट होता है वो होता है हमारा 100 क्लाइंट, ये गोल्डन क्लाइंट होता है, इसी पे ही हमारी रियल टाइम जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो। ओके, सैंडबॉक्स ये अभी हम आपको डिस्कस करेंगे, तो अभी हम आगे सारे ये डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद आता है क्वालिटी। क्वालिटी इज वेयर द कोर टीम मेंबर एंड अदर मेंबर टेस्ट द कस्टमाइजेशन। मतलब क्या हुआ कि जो भी डेवलपमेंट सर्वर पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन हुई है उसको टेस्ट करने के लिए जो भी कोर टीम मेंबर, जो भी ट्रेनिंग होती है, वो किसको होती है, हमारी क्वालिटी सर्वर पे सारी चीजें चेक की जाती है। मतलब क्या हुआ कि डेवलपमेंट सर्वर पे जो भी काम होता है उसको ट्रांसफर, जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ट्रांसफर होती है क्वालिटी सर्वर पे। क्वालिटी सर्वर में वो सारी चीजें हमारी चेक होती हैं। उसके बाद इसमें भी हमारे मल्टीपल क्लाइंट्स हो सकते हैं, जैसे 220 क्लाइंट इंटीग्रेशन टेस्टिंग के लिए हो गया, 300 को ट्रेनिंग के लिए हो गया, तो ये होता है। उसके बाद आता है फाइनल हमारा प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम कौन सा होता है, इज वेयर द लाइव डेटा ऑफ द कंपनी इज रिकॉर्डेड। मतलब क्या हुआ, जहां पर हमारे एंड यूजर जो होते हैं, जो डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, वो होते हैं हमारे, वो कौन सा सर्वर होता है, हमारा प्रोडक्शन सर्वर, जिसमें हमारा डेवलपमेंट,
क्वालिटी एंड प्रोडक्शन होता है डेवलपमेंट, जहां पर सारी कस्टमाइजेशन होती है। ओके, उसके बाद क्वालिटी, जहां पर सारी टेस्टिंग और जो भी सारी चीजें वो होंगी, और उसके बाद आता है हमारा प्रोडक्शन, जहां पर हमारा लैंग्वेज। अभी हम ये भी सीखेंगे आगे कि किस तरह से डेटा ट्रांसफर होता है डेवलपमेंट से क्वालिटी में, क्वालिटी से प्रोडक्शन में, वो भी हम अभी आगे प्रैक्टिकल करेंगे जब देखेंगे। तो आपको पहले इतना समझ में आना चाहिए कि ये थ्री टायर, अगर आपसे पूछा जाता है कि सैप लैंडस्केप समझाइए क्या होता है, तो आपको ये आंसर करना है। उसके बाद आता है, मैंने अभी आपको बताया सैंडबॉक्स। तो सैंडबॉक्स क्या होता है? इन द इनिशियल स्टेज ऑफ एनी कंपनी प्रोजेक्ट यू आर गिवन ए सैंडबॉक्स सर्वर वेयर यू डू ऑल द कॉन्फिगरेशन कस्टमाइजेशन एज पर द कंपनी बिजनेस। ओके, मतलब क्या है, इनिशियल बिजनेस में इसमें क्या होता है, एक आपको इनिशियल प्रोजेक्ट में आपको एक सैंडबॉक्स दिया जाता है, इस पर आप सारा कॉन्फ़िगरेशन कस्टमाइजेशन करके आप चेक कर सकते हो, बेसिकली डमी सिस्टम आप इसे बोल सकते हो सैंडबॉक्स। नाउ व्हाटएवर यू डू द सैंडबॉक्स डजंट इफेक्ट टू द अदर सर्वर और क्लाइंट। मतलब क्या है, जो भी आप सैंडबॉक्स पे करते हो वो किसी भी सर्वर और क्लाइंट पे इफेक्ट नहीं करता। Whenever you think you are satisfied with your configuration and you think you can use it move forward, you redo it in the golden client. मतलब क्या हुआ, अगर आपने sandbox पे सारा कुछ चेक किया कि हाँ जो मैं configuration कर रहा हूँ as per company requirement है, सब कुछ ठीक है, तो आपको उसे redo करना पड़ेगा golden client पे, जो हमारा main client है golden client, उस पर आपको सारी configuration करनी पड़ेगी, जो हमारा this is very neat and clean client. You cannot use it is for rough uses. ये rough uses के लिए नहीं होता, इस पर जो भी आपकी ये neat and clean होता है, जो भी आपके standard configuration है वो हम इस पर करते हैं। As you redo everything that you can had through was important and usable. Okay? तो ये होता है basically, you get a transfer request pop up अपॉन सेविंग एवरी टाइम। अब देखिए यहाँ पर एक आ रहा है ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड। अगर आपने SAP यूज किया है तो आपने देखा होगा जब भी हम कोई कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सेव करते हैं, तो हमारे पास एक पॉपअप आता है कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट का। ओके, तो उसके थ्रू ही हम ट्रांसफर करते हैं डेवलपमेंट टू क्वालिटी एंड डेवलपमेंट टू प्रोडक्शन, उसके थ्रू ही ये होता है। तो ये अभी हम आगे प्रैक्टिकल देखेंगे। उसके बाद आता है हमारा डेवलपमेंट सर्वर। डेवलपमेंट सर्वर मैं आपको बता चुका हूँ, वंस द बीबीपी गेट साइंड ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज डन इन डेवलपमेंट सर्वर एंड सेव्ड इन वर्कबेंच रिक्वेस्ट और ट्रांसफर रिक्वेस्ट टू द प्रोडक्शन। मतलब बीबीपी जब साइन ऑफ हो जाता है तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन डेवलपमेंट में होने के बाद जो भी कस्टमाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट होती है वो ट्रांसफर हो जाती है हमारी प्रोडक्शन से। You don't run any transition or even use easy access screen on the 100 golden client. मतलब कि जो development server होता है उस पर हम कोई भी transition run नहीं कर सकते, कोई भी easy access screen नहीं use करते हैं। Golden client only configuration के लिए होता है, जिस पर हम only configuration करते हैं golden client। development server पे golden client जो होगा हमारा, उस पर हम ओनली कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, किसी भी तरह के कोई ट्रांजिशन कोई इजी एक्सेस पे कुछ नहीं करेंगे। नो पॉइंट सक्सेसफुली ट्रांसपोर्ट बाय द बेसिस गाय। मतलब जो डेवलपमेंट सर्वर पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन करी है, जो भी हमारी टीआर या वर्क बेंच जो भी बनी है, वो बेसिस जो पर्सन होगा, बेसिस कंसल्टेंट, वो उसको ट्रांसफर करेगा फ्रॉम वन क्लाइंट टू अनदर क्लाइंट, लाइक डेवलपमेंट टू क्वालिटी, डेवलपमेंट टू प्रोडक्शन। इसी तरह प्रोडक्शन क्या है, दिस इज द लास्ट मोस्ट रिफाइंड क्लाइंट वेयर द यूजर विल वर्क आफ्टर प्रोजेक्ट गो लाइव। गो लाइव करने के बाद जो भी हमारे एंड यूजर्स काम करेंगे वो सारा किस पर होगा, प्रोडक्शन सर्वर पे। एनी चेंज न्यू डेवलपमेंट इज डन इज अ डेवलपमेंट क्लाइंट। मतलब जो भी हमारा कोई, अगर आपका नया कुछ अपडेट करना है, नई कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो किस पर होगी, डेवलपमेंट। तो ये बेसिकली होता है। तो रियल टाइम में क्या होता है कि जो भी हमने डेवलपमेंट में किया वो किस पे जाता है, क्वालिटी पे। क्वालिटी पे सारी चीजें चेक होती हैं। अगर क्वालिटी पर्सन जो टेस्टिंग कर रहा है, टेस्टिंग में वो पास हो जाता है, तो क्या होता है, डेवलपमेंट से उसको ट्रांसफर किया जाता है प्रोडक्शन। ओके, ऐसे नहीं है कि डेवलपमेंट से क्वालिटी, क्वालिटी टू प्रोडक्शन, ये नहीं। रियल टाइम में क्या होता है,
कि डेवलपमेंट से क्वालिटी में जाता है, और बाद में जब क्वालिफिकेशन पास हो जाती है तो वो डेवलपमेंट से किसमें जाता है, हमारा प्रोडक्शन। ओके, तो डेवलपमेंट से डायरेक्ट हम प्रोडक्शन पे ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद जो थ्री टायर आर्किटेक्चर होता है उसमें क्या होता है, हमारा सबसे पहले होता है हमारा एसएपी जीयूआई, जो हम स्क्रीन देखते हैं एसएपी जब हम लॉग इन करते हैं, वो एसएपी प्रेजेंटेशन लेयर में आती है। एप्लीकेशन सर्वर जहां पर हमारा एसएपी इंस्टॉल्ड होता है, और डेटाबेस लेयर जहां पर हमारा डेटाबेस इंस्टॉल्ड है, जहां पर हमारा सारा डेटा सेव होता है। तो ये होता है हमारा थ्री टायर आर्किटेक्चर। तो सिस्टम लैंडस्केप आपको समझ में आया होगा। इसमें बेसिकली तीन सर्वर आते हैं हमारे, डेवलपमेंट, क्वालिटी एंड प्रोडक्शन, और उसी के अकॉर्डिंग जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती है डेवलपमेंट में होती है, क्वालिटी में सारी टेस्टिंग और ट्रेनिंग वो सारी क्वालिटी में होती है, और अगर सेटिस्फाइड है सारी ट्रेनिंग सब कुछ टेस्टिंग सब परफेक्ट है, तो वो डेवलपमेंट से सीधा प्रोडक्शन में हमारी क्या हो जाती है, चली जाती है। ये कौन करता है, किसके थ्रू होती है, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट के थ्रू। ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट जनरेट होती है, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को बेसिकली बेसिस पर्सन, जो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट जो भी जनरेट हुई है बेसिस कंसल्टेंट को ट्रांसफर की जाती है, लाइक मेल या अदर वे, और बेसिस पर्सन उसको क्या करता है, ट्रांसफर करता है वन सर्वर टू अनदर सर्वर। ओके, वन क्लाइंट टू अनदर क्लाइंट बोल सकते हैं, वन सर्वर टू अनदर सर्वर। ये है हमारा। अब हम इसका देखते हैं प्रैक्टिकल। आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे भी पूरा डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है www.hatutorials.com। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर आएंगे कोर्स पेज पर आएंगे आप, यहाँ पर सारे कोर्सेज हैं। ठीक है, S/4HANA मेटेरियल मैनेजमेंट है, SAP LT का S/4HANA फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग है। ओके, SAP FICO बेसिक EC सर्वर पे भी है। तो ये सारे कोर्सेज हैं, अगर आप किस कोई भी कोर्स करना है उस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सारे कोर्स कंटेंट कितने आवर्स का है सारे कोर्स कंटेंट दिख जाएंगे, सेक्शन वाइज आप देख सकते हैं। ओके, सेक्शन वाइज आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आपको एनरोल करना है तो पहले आपको यहाँ पर क्लिक करके साइन अप करना होगा। साइन अप करके अपना नाम, ईमेल आईडी, एक पासवर्ड बना के क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे, और ऐड टू कार्ट करके आप पेमेंट करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है कॉन्टेक्ट अस। तो अब हम इसका देखते हैं प्रैक्टिकल। तो आते हैं एसएपी, एसएपी में आ गए। तो ये बेसिकली एसएपी लॉग ऑन है हमारा। तो जब आप रियल टाइम में काम करोगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल सर्वर्स मिलेंगे। ओके, जिसमें जैसे आप ऊपर के छोड़ दीजिए, नीचे के तीन देखिए आप, इसमें डेवलपमेंट है 800 क्लाइंट, प्रोडक्शन है 811, क्वालिटी है 810। ये आपको बेसिस कंसल्टेंट बना के देंगे, और भी मल्टीपल हो सकते हैं। ओके, जैसे डेवलपमेंट में ही मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, प्रोडक्शन में है, क्वालिटी में है, तो वो हो सकते हैं, लेकिन होंगे तीन ही, डेवलपमेंट, क्वालिटी एंड प्रोडक्शन। तो इसी तरह से बने होंगे। तो अगर आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो डेवलपमेंट कॉन्फ़िगरेशन पर्सन होगा वो डेवलपमेंट यूज करेगा, जो एंड यूजर होगा वो प्रोडक्शन यूज करेगा, क्वालिटी पर्सन होगा जो टेस्टिंग कर रहा है वो क्वालिटी सिस्टम यूज करेगा। तो इस तरह से तो हम पूरा चेक करते हैं। तो पहले हम डेवलपमेंट में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसको क्वालिटी में चेक करेंगे, और देन उसको प्रोडक्शन पर लेके जाएंगे। ओके, तो डेवलपमेंट में लाने, तो इसको ओपन करते हैं डेवलपमेंट को, 800 क्लाइंट, हमारा यूजर ये है, पासवर्ड हम डाल देते हैं। ठीक है, लॉग इन हो गया। तो जो पर्सन होगा जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में सारा काम किसको होता है, SPRO मेन्यू, SAP रेफरेंस IMG, ये पूरा हमने अपने कोर्स में पढ़ाया हुआ है। तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में आएंगे, डिफाइन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लाइक हम एक कंपनी बना। ओके, न्यू एंट्री, एक कंपनी हम तैयार करते हैं, लाइक हमने गाया बोया बोया GR। ओके, हमने यहाँ पर लिखा बोया GROUP, बोया ग्रुप। ओके, हमने बोया ग्रुप डाल दिया। यहाँ पर हमने ले लिया दिल्ली, कंट्री IN, करेंसी ले ली हमने INR। ओके, स्ट्रीट जो भी आपको मेंशन करनी है ये हम खाली चेक कर रहे हैं। ओके, तो हम इसे सेव करते हैं। जैसे हम इसे सेव करेंगे, आपके पास, हमारे पास एक पॉपअप आ गया। मेंटेनेंस टेबल क्या है इसकी, V_T80। तो T80 टेबल में सेव होगा डेटा। ओके, तो ये पॉपअप आता है। ठीक है, जब भी आप कोई कॉन्फ़िगरेशन करोगे आपके पास इस तरह का एक पॉपअप आएगा। तो अब आपको करना क्या है कि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन जब आएगी तो वहां पर आपको एक बटन मिलेगा क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट। ओके, तो सबसे पहले हम एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं,
न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, क्या नाम देना चाहते हो उसको, ठीक है। लाइक हमने दिया डिफाइन कंपनी, क्या है हमारा बोया जीआर, ओके हमने एक नाम दे दिया, और कौन यूजर कर रहा है वो सब कुछ आ जाएगा, और इसको हम सेव कर देंगे। जैसे हम सेव करेंगे एक रिक्वेस्ट नंबर हमारा जनरेट होगा, अगर रिक्वेस्ट नंबर ओके, ये हमारा कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट का नंबर है ओके। उसके बाद इसको हम यहाँ से सेव कर, हो गया सेव, हमारी रिक्वेस्ट तैयार हो गई, हमारा एक कंपनी हमने क्रिएट कर ली ओके। आपको देखनी है तो SC09 टी कोड होता है, यहाँ पर आएंगे, जो यूजर है उस जो भी यूजर है जिसने आप क्रिएट करी है वो यूजर डालेंगे। यहाँ पर मॉडिफाइड रिलीज आता है, तो पहले हम मॉडिफाई चेक करते हैं, तो मॉडिफाई पे क्लिक करके देखिए आ गया मॉडिफाइबल, आपकी रिक्वेस्ट है डिफाइन कंपनी, और ये हो गई आपकी मेन टीआर, ये हो गई आपकी सब टीआर ओके। इस पर क्लिक करेंगे IMG एक्टिविटी डिफाइन कंपनी, इस पर हम क्लिक करेंगे व्यू मेंटेनेंस डेटा, यहाँ पर किस टेबल में आ रहा है T880, मतलब ये हमारी मेन टीआर हो गई ओके, ये हमारी चाइल्ड टीआर ओके। तो इस तरह से ये वर्क करेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमने इसको लेके जाना है, यही कॉन्फ़िगरेशन हमें लेके जानी है हमारे क्वालिटी सिस्टम, तो हम डायरेक्ट मेन टीआर को नहीं लेके जाएंगे, पहले हम क्वालिटी सिस्टम पे चाइल्ड टीआर को लेके जाएंगे। तो इसको हम पहले क्या करते हैं, यहाँ से क्लिक करके यहाँ से इसको रिलीज कर लेते हैं। तो चाइल्ड टीआर को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से रिलीज कर रहा हूँ ओके। चाइल्ड टीआर क्या हो गई हमारी, यहाँ से देखिए रिलीज हो गई। अब इस टीआर को कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी करने के बाद अब हम SAP से लॉगिन करते हैं। अब ये हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करके इसको भेज देंगे बेसिस कंसल्टेंट को, कि इस टीआर को ट्रांसफर किया जाए हमारा क्वालिटी सर्वर पे। तो जो बेसिस कंसल्टेंट है वो क्वालिटी सर्वर पे इसको लेके जाएगा। तो क्वालिटी क्लाइंट कौन सा है, 810 चेक कर लेते हैं दोबारा, देखिए 810 ही है। अब इसको लेंगे और यहाँ पर डाल देंगे यूजर आईडी, लाइक इस यूजर से कर रहे हैं ओपन हो गया। अब वो क्या करेगा, टी कोड डालेगा SCC1 टी कोड होता है ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड कॉपी बाय ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड। SCC1 होता है अगर आपका सेम सर्वर है बट क्लाइंट अलग अलग है, बाकी एक और होता है अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट सर्वर है। तो हम क्या कर रहे हैं, सेम सर्वर पे डिफरेंट क्लाइंट पे मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर हम उस TR को पेस्ट कर देंगे जो हमारी TR, तो TR यही थी, पहले हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये हमारा 800 क्लाइंट है, नीचे देखिए 800 है, और 800 में यही TR थी DM0K90019, यही है। अब हैं हम 810 क्लाइंट पे, यही है। और सोर्स क्लाइंट कहाँ से है, किस क्लाइंट से कॉपी कर रहे हैं हम, 800 क्लाइंट से ओके। 800 क्लाइंट से हम किस पे लेके जा रहे हैं, 810। पहले हम टेस्ट रन चेक कर लेते हैं, स्टार्ट इमीडिएटली टेस्ट रन, प्रोग्राम रन सक्सेसफुली, मतलब ये ठीक है। अब इसको टेक्स्ट रन हटा के स्टार्ट इमीडिएटली कर, इसको यहाँ रहा है कॉपी क्लाइंट स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम 800 टू 810, यस यस करते ही हो गया। अब हम चेक करते हैं अपने क्वालिटी सिस्टम पे ओके। SPRO में आएंगे, SAP रेफरेंस IMG, यहाँ पर एंटरप्राइज स्ट्रक्चर डिफाइन, देखिए ये इस पर हमने बनाया नहीं था, हमने बनाया था 800 पे, और हम उसको कॉपी करके लाए 810 पे। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिफाइन कंपनी, देखिए यहाँ पर क्या लिखा रहा है, बोया GR आ गई। कहाँ से कॉपी होके आई है, ये हमारी 800 क्लाइंट से हमारी TR यहाँ पर आ गई। अब क्वालिटी पर्सन जो है, जो चेक कर रहा है, उसने चेक किया, उसने देखा यहाँ पर गलत है, इन्हें यहाँ पर दिल्ली US, ये बेसिकली बोया ग्रुप US से यहाँ पर बन गया है, वो इंडिया से आई है। तो यहाँ पर क्या होगा, उन्होंने यहाँ पर चेंज कर दिया US से ओके, कंट्री US, और यहाँ पर जो ग्लोबल करेंसी है वो कौन सी होनी चाहिए, USD ओके, ये होनी चाहिए थी, लेकिन गलत कर दिया है। तो अब क्या होगा, यहाँ से चेंज नहीं होगा, देखिए मैं यहाँ से कर सकता हूँ लेकिन नहीं करूँगा ओके, नो। तो उससे ये गलत है, तो वो उसको बताएगा कि ये गलत है, इसकी जगह ये डिटेल आनी चाहिए ओके। अब
ऐसा नहीं है कि आप सीधा डायरेक्ट आके यहाँ चेंज कर दोगे, ओके यहाँ पर सेम है। अब क्वालिटी जो पर्सन है वो कंसल्टेंट को जो डेवलप कर रहा है डेवलपमेंट में, वो उसको बोलेगा कि ये गलत है, आप इसे ठीक करिए। ओके तो अब क्या करेगा, जो डेवलपमेंट सर्वर है 800 पे दोबारा आ गए, SPRO में जाएंगे, SAP रेफरेंस, IMG पे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं सॉरी इंटरप्राइज स्ट्रक्चर डिफाइंड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिफाइंड कंपनी। अब जो हमने बनाया था बोया GR, देखिए ये था बोया GR, इसको ओपन करेंगे, उसने देखा हाँ ये गलत है, तो उसने यहाँ से उसके अकॉर्डिंग डेटा को यहाँ से चेंज कर US और यहाँ से USD, क्योंकि मेन डेवलपमेंट सर्वर है आपका, सारी चीजें जो ये गोल्डन क्लाइंट है नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जो भी हमारी करेक्ट है इन्फॉर्मेशन वो डेवलपमेंट क्लाइंट पे आएगी, उसी के बाद वो प्रोडक्शन पे जाएगी। तो यहाँ पर ठीक कर दिया। अब जैसे हम सेव करेंगे देखिए फिर से हमारे पास एक पॉपअप आ गया। अगेन अब ये पॉपअप बोल रहा है कि हमने एक TR बनाई हुई है, या तो आप नई TR बना सकते हो, या आप हमने अभी मेन TR को रिलीज नहीं किया है, अभी हम चाइल्ड TR पे काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसी TR पे अगर हमें देखो यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ टोटल जितनी भी TR है, अभी हमारी और कोई TR नहीं है, हमारी एक ही TR है। अगर आपकी मल्टीपल TRs हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो ऑन रिक्वेस्ट से, तो अभी हमारी यही वाली TR है, तो मैं क्या करता हूँ अब की बार देखिए कौन सी हो रही है 18 और यही वाली है, और एक चाइल्ड TR न्यू क्रिएट हो जाएगी, अब इसको कंटिन्यू कर देंगे और ये पूछेगा ठीक है तो इसको ओके कर देंगे, हो गया। अब इस पे बैक आते हैं, देखिए ठीक कर दिया हमने, अब SE09 में आएंगे, यही था रिलीज एंड मॉडिफाइड दोनों चेक करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, देखिए अब अगर मैं अपनी ये हमारी रिलीज वाली है इस TR पे आते हैं, देखिए ये हमारी मेन TR है मॉडिफाइड, मैं रिलीज को हटा देता हूँ, मॉडिफाइड चेक करते हैं, तो ये हमारी मेन TR है, मेन TR हमने रिलीज नहीं करी थी, यही वाली है डिफाइंड कंपनी। अब देखिए चाइल्ड TR हमारी एक और जनरेट हो गई DM0 के 9000020, ये हमारी क्या हो गई फिर से एक चाइल्ड TR आ गई, ओके जिसमें हमने इन्फॉर्मेशन को करेक्ट कर दिया। अब क्या कहे, अब ये वाली TR बेसिस कंसल्टेंट को जाएगी, बेसिस कंसल्टेंट फिर से जाएगा क्वालिटी सर्वर पे, देखिए ये हमारा 810 क्लाइंट है, तो यहाँ पर आएगा और SCC1 में आएंगे, और अब की बार जो हमारी नेक्स्ट TR थी वो डाल के और यहाँ पर स्टार्ट इमिडिएटली और यस कर, हो गया। अब चेक करते हैं, आते हैं हम इस पे, देखिए 810 पे ही हूँ डिफाइन कंपनी, देखिए ये बोया ग्रुप, इसको ओपन करें, देखिए आ गया USA USD, ओके अब सब कुछ ठीक है, इसको रिलीज करेगा वो पहले, उसके बाद ट्रांसफर करेगा ठीक है, तो ये हमारा सब कुछ ठीक है, अब परफेक्ट है, क्वालिटी ने उसे पास कर दिया, हाँ ओके है। अब हम क्या करेंगे, जो मेन TR है उसको यहां से रिलीज कर देंगे ठीक है, अब सारी रिलीज हो गई, मेन TR हमारी रिलीज हो गई, ओके अब मेन TR को कॉपी करेंगे और यहां से जाएगी डेवलपमेंट से कहां पर जाएगी प्रोडक्शन सर्वर पे, तो प्रोडक्शन सर्वर हम लॉगिन करते हैं, तो प्रोडक्शन सर्वर ये वाला है 8110 8111 और यहां पर इसको लॉगिन कर लेंगे, यहां पर आके SCC1 पे आएंगे, ओके करेंगे, अब प्रोडक्शन सर्वर पे यहां से इसको ओके करेंगे और यहां से स्टार्ट इमिडिएटली कॉपी टू 800 टू 811, हो गया। अब चेक करते हैं SAP रेफरेंस, IMG, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर डिफाइन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिफाइन कंपनी, देखिए आगे बोया ग्रुप, तो इस तरह से रियल टाइम में काम होता है डिफरेंट डिफरेंट सर्वर, तो इतना आपको समझ में आया होगा, तो बेसिकली इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है, बाकी आपको अगर पूरा डिटेल में कोर्स करना है तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं, और तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।